आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे वृश्चिक राशि का 2018 का पहला महीना मतलब जनवरी कैसा जाएगा। वृश्चिक मतलब सावधान सेनानी, दूरदर्शी, जो दूरदर्शी होते हैं और दूसरों के प्रति संवेदनशील। वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी पेचीदा हो सकता है। अचानक आप कई समस्याओं को एक साथ हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह केवल भ्रम की स्थिति पैदा करेगा और ऐसी स्थिति में आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मुद्दों को व्यवस्थित रूप से हल करें। उन सब कार्यों को एक सूची लिखें जिन्हें पहले पूरा किया जाना चाहिए, तो इस तरह आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। वृश्चिक राशि, आप अपने धन और ऊर्जा को अनावश्यक मामलों में खर्च कर सकते हैं जनवरी के महीने में, जिसके बाद आपको अफसोस भी हो सकता है। किसी भी फैसले को लेने या कार्य करने से पहले अच्छे से विचार विमर्श जरूर कर लें। सेहत के लिहाज से माह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो सेहत पे ध्यान दीजिएगा। एक वक्त के बाद आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं और आप काम में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। कार्यभार या तनाव के कारण सेहत बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से खर्चे बढ़ने लग जाएंगे, जिसके चलते भी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। हालांकि आप एक अच्छी रकम इस दौरान जोड़ लेंगे, लेकिन फिर भी उसे बचा कर नहीं रख पाएंगे। इस पूरे माह खर्चे आसमान को छुएंगे। इस माह के भविष्य कथन के अनुसार वैवाहिक जीवन में खटपट हो सकती है, तो इस दौरान जीवन साथी से कुछ विवाद भी हो सकते हैं। निजी जिम्मेदारियों से जी चुराने की आदत जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता खराब कर सकती है। घर पर वाद विवाद की स्थिति इंगित हो रही है, इसलिए इन सभी मामलों को अपनी बुद्धि और समझदारी से हल करने की कोशिश करें। साहस और हिम्मत के साथ इस मुश्किल परिस्थिति से निकलने की कोशिश करें। भूमि और मकान पर से आपको लाभ हो सकता है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रिश्तेदारों से मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहेंगे। कार्य योजनाओं के प्रति विचार विमर्श होगा। सकारात्मक विचारों से मन स्वस्थ रहेगा। आर्थिक पक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी आमदनी में डेफिनेटली इसमें वृद्धि होगी। कैरियर और व्यवसाय की बात करें तो प्राइवेट नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे और व्यवसाय के लिए समय सामान्य रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा जबान पे लगाम रखिएगा, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्यार मोहब्बत वाली जहाँ पे बात है, तो प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम है आपके लिए जनवरी का महीना। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।